नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। थाना मणिहार जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 15 जनवरी 2024 को वादी अजीत कुमार केसरी पुत्र स्वर्गीय महावीर केसरी निवासी दारा नगर थाना मणिहार जनपद मिर्जापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी व वादी के भाई द्वारा कलवारी बाजार में स्थित दुकान को बंद कर घर आते समय रास्ते में चार पहिया वाहन से ओवरटेक कर चार नफर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट व गाली गलौज कर गोली चलाकर 30,000 नकदी व आभूषणों से भरा बैग छीन लिया गया। उक्त तहरीक के आधार पर थाना मणिहान में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं घटना से संबंधित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी करने हेतु तीन टीमों का गठन किया गया। निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 27 जनवरी 2024 को थाना मढ़ियां पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सुराग रसी पतारसी एवं भौतिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मढ़ियां क्षेत्र से लूट की घटना से संबंधित दो नफर अभियुक्तगण शैलेंद्र चौहान व अंकित चौहान को प्रातःकाल गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर लूटे गए माल बंटवारे में मिले सफेद व पीली धातु के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस की भी बरामदगी की गई। समय करीब 10 बजे मुखबिर से सूचना पर थानाध्यक्ष मढ़ियान के नेतृत्व में बेला मंदिर जंगल के मुठभेड़ के दौरान दो अन्य अभियुक्त रामनिवास उर्फ श्रीनिवास व दूसरा धनंजय चौहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा अपनी बचाव में फायरिंग करने पर अभियुक्तगण के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। घायल अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मढ़ियान में प्राथमिक उपचार के पश्चात मंडली चिकित्सालय मिर्जापुर रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट का माल सफेद व पीली धातु के आभूषणों की बरामदगी हुई है तथा घटना में प्रयुक्त सेलेरियो कार भी बरामद की गई है तथा अभियुक्तगढ़ के कब्जे से दो अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस दो अदद खोधा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ से पूछताछ में बताया गया कि अभियुक्त धनंजय चौहान निवासी ग्राम अटवारी थाना मढ़ियान द्वारा अपने साथी राम निवासी उर्फ श्रीनिवास व अन्य साथियों के साथ मिलकर सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की योजना बनाई। राम निवासी उर्फ श्रीनिवास पूर्व में एक अपहरण के मामले में जनपद रोहतास बिहार में जेल में था, जिनके द्वारा जनपद रोहतास के जेल में बंद दो अन्य अभियुक्तों से उसका मेल जोड़ भी बढ़ गया। श्रीनिवास द्वारा शैलेंद्र चौहान व अन्य रोहतास के दो साथियों को फोन के माध्यम से घटना कारित करने के लिए बुलाया तथा दिसंबर 2023 में उनके द्वारा प्रथम बार रेकी की गई। फिर जनवरी में 13 व 14 जनवरी को भी इनके द्वारा रेकी गई। तत्पश्चात 15 जनवरी 2024 को एक मोटरसाइकिल में दो अभियुक्त व सलेरियो कार में चार अभियुक्तों द्वारा मिलकर ग्राम खुटारी के आगे सिमरा गांव के सरहद में सर्राफा व्यापारी की सलेरियो कार को ओवरटेक करके रोक लिया गया तथा व्यापारी को कार के शीशे तोड़ते हुए मारपीट भी गई। मारपीट करते हुए उसके गाड़ी के आभूषणों से भरा बैग भी छीन लिया गया। प्रतिरोध करने पर वादी के भाई अजय केसरी को गोली मारकर घायल भी कर दिया गया। ये सुनते हैं कि इस घटना के बारे में जनपद मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, दिनांक 15 जनवरी को थाना मढ़ियान क्षेत्र में कलवारी बाजार के पास एक घटना हुई थी, जिसमें कि वहाँ के एक लोकल व्यापारी उसको कुछ चार अज्ञात लोगों ने आके गाड़ी ओवरटेक करते हुए उसको एक व्यक्ति को गोली मारी उसमें से, और उसके बाद उन लोगों के साथ लाठी डंडे से प्रहार करके उनको घायल कर दिया तथा उनके पास आभूषणों से भरा एक बैग था जिसको वो लेकर फरार हो गए। तत्काल इस सूचना पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और हम लोगों ने कई टीमों का गठन किया इसके अनावरण के लिए। आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। टोटल इस घटना में चार अभियुक्त थे, जिसमें से कि दो अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे। उनसे हम लोगों ने बातचीत की, पूरी घटना का अनावरण किया और उसके बाद जो शेष दो अभियुक्त थे उन पर हम लोगों ने पुरस्कार घोषित किया। 25,000 रुपये के इनाम थे, जिनमें उनका नाम था धनंजय चौहान
और राम निवास, ये दोनों यही मणिहान क्षेत्र के रहने वाले थे और उनकी तलाश में लगातार पुलिस और एसओजी की टीम घूम रही थी। आज एक मुखबिर की सूचना पर हम लोग को पता चला कि बेला मंदिर के पास जो जंगल है वहाँ पर उस अपनी जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है सिलेरियो ग्रे कलर की, उसी से वो वहाँ घूम रहे हैं। तत्काल इस सूचना पर हम लोगों ने वहाँ घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया जिसके जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुए हैं। उनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है जहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। दोनों पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो दो व्यक्ति और थे जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सभी चार अभियुक्तों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार कर लिया है और जो इस घटना में लूटी हुई सामग्री थी उसको हम लोगों ने बरामद किया है। लगभग 7 किलो के आसपास इसमें चांदी थी और लगभग 56 ग्राम सोना था। उसको इन लोगों ने जिस बैग में वो भरा हुआ था, जिस बैग को इन लोगों ने लिया था, उस बैग को भी इन लोगों ने जला दिया था घटना करने के बाद। उस जले हुए बैग के अवशेष भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त हुई सिलेरियो गाड़ी थी वो भी बरामद हो गई है। एक और गाड़ी थी जो धनंजय की थी, स्प्लेंडर बाइक, उससे भी घटना में इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हम लोगों ने अंकित जो इसमें तीसरा अभियुक्त है उससे हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आगे की जो है इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो टीमों ने इसमें कार्य किया है वो इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। थाना मणिहान और जो एसओजी की टीम थी उन लोगों ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया। क्या पहली बार किए हैं कि इसके पहले भी इनके अपराधी की इतिहास? देखिए, इसमें एक अभियुक्त जो है शैलेंद्र, वो रोहतास जिले का रहने वाला है और अभी तक जो हम लोग को पता चला है वो काफ़ी इस तरह की घटनाओं में वो शामिल रहा है। और इसमें एक और अभियुक्त है जो यही मणिहान क्षेत्र का रहने वाला है, उसके ऊपर भी फेक करेंसी में का अपराध करने के जुर्म में उसे जेल भेजा जा चुका है। और बाकी इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इसको पता किया जा रहा है और उसके आधार पर इनके ऊपर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।